सजनवा पुलिस ने हरियाणा निर्मित लाखों की अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। पुलिस ने हरियाणा के 4 शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। ये शराब ट्रक और लग्जरी कार में छिपाकर लाया गया था। शराब तस्कर लाखों की शराब को भी हार ले जा रहे थे। इस दौरान चेकिंग में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 12.5 लाख रुपये आकी गई है। गिरफ्त में आए 3 युवक हरियाणा और 1 युवक बिहार का रहने वाला है। इस संबंध में गोरखपुर की न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए एएसपी रोहन प्रमोद पोत्रे ने कहा, पहले एक ब्रांड का रॉयल चैलेंज सब निकाल के गिनिए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार रेगुलर चेकिंग हर क्रॉसिंग पे पॉइंट पे की जाती है। उसी क्रम में सैजनवा थाने ने एक डीसीएम को और एक स्विफ्ट कार, इन दोनों में करीब 12,54,000 रुपए की शराब बरामद की है। जो अभियुक्त इसमें मतलब जो लोग पकड़े गए इसमें, इनका नाम है अशोक शर्मा, सत्यवान, छोटा सिंह और इंदर। वांछित अभियुक्त एक व्यक्ति इसमें से भाग गया है, उसका नाम है मोहित निवासी। सभी लोग ये हरियाणा के हैं। शराब अमूमन तौर से हरियाणा से बिहार लेके जाते हैं और वहाँ पे ऊंचे दामों पे बेची जाती है क्योंकि वहाँ पे शराब बैन है। तो इसी क्रम में करीब रॉयल स्टैग ब्रांड के 268 बोतल हैं, रॉयल स्टैग ब्रांड के 175 पेटी अंग्रेजी शराब, रॉयल चैलेंज और एक जो डीसीएम है उसका नंबर प्लेट है UP 32LT 2979, और एक मारुति स्विफ्ट कार है जिसका नंबर है HR66A 3559। तो इसमें SO सैजनवा और टीम ने बड़ी अच्छा काम किया था।